तो इस ट्यूटोरियल में मैं आपको शेडिंग सिखाऊंगा। अगर आपने बलून इन्फ्लेट का इफेक्ट अगर आपने नहीं देखा उसका ट्यूटोरियल, तो इससे पहले वाला पार्ट जो है वो मैंने अपलोड कर रखा है। आप या तो आई बटन में जाके आप क्लिक कर सकते हैं, आपको वहाँ से मिल जाएगा, या तो आप मेरे चैनल पे जाके आप सर्च कर सकते हैं, आपको वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये उसका सेकंड पार्ट है, ये उसके कंटिन्यूम में है। तो इसमें मैं थोड़े बहुत और पार्ट्स बताऊंगा उसी से रिलेटेड, पर उससे पहले मैं आपको शेडिंग के बारे में बता दूंगा। पहले तो सबसे पहले हम एक स्फेयर रख लेते हैं, ठीक है, और मैं यहाँ से ग्रिड बंद कर देता हूँ। और इस पे मैं वैसे यूज़ वीरे करता हूँ, पर मैं इसमें आपके लिए, क्योंकि आर्नोल्ड ऑलमोस्ट सबके पास होता है, प्री इंस्टॉल्ड आता है, तो इसमें AI स्टैंडर्ड सरफेस रखते हैं। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ कि इसका सबसे पहले तो नाम चेंज करूँ। इसका नाम मैं रख देता हूँ न्यू शेडर AI। ठीक है, अब सबसे पहले मैं प्रीसेट में जाके इसको गोल्ड दे देता हूँ। ठीक है, तो अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से जाके आप दो व्यू करके पैनल, यहाँ से पहले कैमरा बना देते हैं, एक नया कैमरा, इसको बैक करके यहाँ से लुक थ्रू कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ग्रिड ऑन करके यहाँ पे ग्रिड बंद कर देते हैं। ठीक है, और एक जस्ट देखने के लिए मैं एक डोम लाइट लगा देता हूँ, स्काई डोम लगा देता हूँ। ठीक है, तो अगर अभी हम देखें आर्नोल्ड पे जाके, तो अभी हमारा ऐसा दिख रहा है। ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट एक्यूरेट नहीं है क्योंकि लाइट ऐसी है हमारी, पर फिर भी आपको एक आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर आपको नॉर्मली करना है तो आप क्या करते हो, आप इसमें कलर में जाके आपको जो कलर रखना है वो रख लोगे। ठीक है, रफनेस मैप में आप रफनेस मैप डाल दोगे, पर अगर आपको दो तीन मैप्स जोड़ने हैं या पांच छह जोड़ने हैं, तो आप क्या किस तरीके से कर सकते हो, तो ये ट्यूटोरियल उस रिगार्डिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक अलग सी मैंने ये बनाया है, यहाँ पे नोड एडिटर है। नोड एडिटर कहाँ से आ सकता है, विंडोज़ में जाके आप नोड एडिटर अलग से खोल सकते हो। मैंने इसको अलग से लेआउट बना रखा है क्योंकि मेरा काम ज़्यादा इसमें होता है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये है, हमने इसको सेलेक्ट करा और यहाँ पे जाके इस बटन पे क्लिक कर दिया, तो ये सारे उसका डिटेल्स दे देगा। तो अब हमें इस पे जाना है, ये शेडर है इसका, आप देखिए जैसे ये शेडर सेटिंग है इसकी, ये ठीक है, इसके अंदर ये है। ठीक है, न्यू शेडर हमारा AI न्यू शेडर। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसे दो शेडर लगाऊँ, एक गोल्ड हो और एक कोई और शेडर। तो उसके लिए आप नॉर्मल, आप कोई और शेडर के लिए मिक्स शेडर करके एक आता है, आप टैब दबाएं, टैब दबाने से आप लिख सकते हैं। तो इसमें AI स्टैंडर्ड सरफेस अगर आप लिखेंगे तो ये नया आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें मैं चाहता हूँ ये नोड ना, नहीं चाहता क्योंकि हमारे पास ये नोड पहले से। ठीक है, और इसको कनेक्ट करने के लिए मैं एक मिक्स शेडर चाहता हूँ, नॉर्मल AI मिक्स। आप जैसे AI मिक्स लिखेंगे तो मिक्स शेडर आ जाएगा। ठीक है, इसकी भी ये नोड हटा देते हैं। ठीक है, इसकी नोट हटा देते हैं। अब इस पे जाके मैं AI मिक्स शेडर लगा देता हूँ, सॉरी AI मिक्स शेडर लगा देता हूँ, यहाँ पे जाके AI मिक्स। ठीक है, अब इस पे ये वाला शेडर लगा हुआ है। अब जैसे आप इसको खोलेंगे तो आपको शेडर वन शेडर टू दिखाई देगा। ठीक है, तो शेडर वन में मैं न्यू शेडर AI ये डाल देता हूँ, सॉरी यहाँ नहीं, ऐसे। ठीक है, ये कनेक्ट हो गया। अगर आप नॉर्मली अगर ऐसे करके डालेंगे तो सिर्फ नाम आएगा, ये कनेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो आप इसको मिडिल माउस ड्रैग करके, जैसे आपको ये लाइन आउटलाइन दिखाई दे जाती है वैसे आप करेंगे तो तब ये कनेक्ट होगा। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ, इसमें आप मेरे पास दो शेडर्स आ चुके हैं, एक शेडर नॉर्मल है, इसको मैं आपको दिखाने के लिए सिर्फ ग्लास रख देता हूँ। ठीक है, तो अगर अभी हम देखें इसमें, तो अभी हमें क्या दिखाई देगा, एक सेकेंड, रेंडर में जाके आर्नोल्ड, तो भी अभी ये अभी सिर्फ गोल्ड क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ पे गोल्ड और जो ग्लास है वो मिक्स हो रहा है, ब्लेंड हो रहा है। अगर आप चाहते हैं ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं। ठीक है,
और जितना आप वेट चाहते हैं उसके हिसाब से कर सकते हैं। या तो आप वेट में, अगर आप कोई नॉइस पैटर्न चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एक पैटर्न ऐसा हो कि जिसमें सिर्फ ग्लास दिखाई दे, दूसरे पैटर्न में आपको गोल्ड दिखाई दे, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक पैटर्न अगर मैं नॉइस से बना देता हूँ, नॉइस एक हमारे पास सपोज करें हम नॉइस टेक्सचर है हमारे पास, ठीक है, इसको साइड में रख देते हैं, और नॉइस टेक्सचर में जाके इसका थ्रेशोल्ड कम कर देते हैं थोड़ी सी इसकी, मतलब सेटिंग्स के साथ थोड़ा छेड़खानी करके। देखिए सबसे, मैं क्यों छेड़खानी बोलता हूँ, क्योंकि सबसे अच्छा तरीका किसी भी चीज़ को सीखने का यही होता है कि आप उसकी सेटिंग्स के साथ या आप किसी भी चीज़ के साथ जो आप सीखना चाहते हैं उसको, और जितना ज़्यादा कर सकें उतना करें, जितना ज़्यादा आप मैसअप कर सकें उतना करें। असलियत में मैं भी यही सब कर करके सीखा हूँ, तो मैं आपको एनकरेज करूँगा ये सब करने के लिए। आप फ्रीक्वेंसी इसकी कम कर दें ताकि आपको थोड़ा दिखाई दे पाए, और नॉइस टाइप में बिलो की जगह आप वेव कर दें, ठीक है, और नंबर ऑफ वेव्स 1 कर दें ताकि आपको एक अलग से पैटर्न दिखाई दे। फ्रीक्वेंसी हमने इतनी रख दी, डेप्थ मैप 0, ठीक है, बाकी हमारे पास ऐसी लाइंस आ गई, एक पैटर्न आ गया, ठीक है। फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, मतलब कम कर देते हैं ऐसे, ताकि जो नॉइज़ है वो थोड़ी बड़ी हो, और इस नॉइज़ के पैटर्न को हमें मिक्स के वेट में डालना है। हम चाहते हैं, ये देखिए आपको पता चलेगा अभी, ये देखिए ब्लेंड, जैसे ही आपने वेट में डाला तो ये जो नॉइस पैटर्न है, यहाँ पे नॉइस की जगह गोल्ड आ रहा है और वैसे ग्लास है, ठीक है। अब ग्लास की जगह हम उसे कुछ और कर देते हैं ताकि देखने में थोड़ी दिक्कत ना हो, का पेंट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप ब्लेंड कर सकते हैं दो, अगर आप चाहें तो। और मैंने इसको कैसे करा था, मैं अगर आप चाहते हैं कि सपोज करें आप चाहते हैं कि इसके ऊपर आपको डस्ट चाहिए, एक और चाहिए, तो आप इसको डिलीट करें सबसे पहले, इस नहीं उससे पहले आप एक नया AI मिक्स शेडर लें, ठीक है, और इसको लगा दें उस पर, और इसको डिलीट कर दें, और शेडर 1 में आप शेडर डाल दें, ठीक है। और दूसरे इस पर अगर आपको, आपके पास कोई टेक्सचर है तो आप यहाँ से जाके फाइल, माया में जाके फाइल, और फाइल में जाके अगर कोई टेक्सचर है आपके पास तो आप वो ले सकते हैं। अभी जैसे मेरे पास कोई टेक्सचर है नहीं तो मैं ऑनलाइन देख लेता हूँ, स्मजेस टेक्सचर अल्फा, तो जैसे अभी ये वाला एक फिंगरप्रिंट प्लस ये छोटा है थोड़ा, जैसे ये वाला एक टेक्सचर है, ये उठा लेते हैं, इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ, ठीक है। ये हमें टेक्सचर लगाना है इसमें, तो जैसे ये टेक्सचर है, इसको ओपन करा हमने, ठीक है, और हमेशा इसको याद रखें कलर स्पेस जो है इसका रॉ पे रखें, क्योंकि अगर आपका कलर्ड है तो आप RGB रख सकते हैं, नहीं तो अगर ब्लैक एंड वाइट है तो आपको रॉ पे रखना ज़रूरी है। तो आप जैसे आप इसको देख सकते हैं, आप इस पर हल्का बहुत पैटर्न आ रहा है, देख, ठीक है। आप जैसे अगर आपको स्पेसिफिक देखना है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, इस पर मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे इसकी जगह पे हम यहाँ पे अगर ये अलग से विंडो खोल लें, इसको छोटा कर दें, ठीक है, और आइसोलेट कर दें, ओह क्रैश। तो मैं अभी दोबारा वो सब करके एक बार दोबारा आता हूँ, ठीक है। हाँ जी, तो हम दोबारा आ चुके हैं वहीं पे, मैंने पिछली बार सेव नहीं करा था तो मुझे दोबारा सारा काम करना पड़ गया, तो कोई नहीं, आपके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार, ठीक है। तो मैंने सारा काम दोबारा करा, एक बार दोबारा आपको दिखा देता हूँ। ये मिक्स शेडर है, ठीक है, जिसके अंदर मैंने कारपेंट डाला हुआ है यहाँ पे, और दूसरा गोल्ड डाला हुआ है, ये दोनों AI स्टैंडर्ड सरफेस है, ठीक है। यहाँ पे मैंने नॉइज़ डाली है, नॉइज़ आप देख सकते हैं ये पैटर्न है, और नॉइज़ को मैंने वेट में डाला हुआ है, ठीक है। और ये एक और AI मिक्स शेडर है जिसमें ये मिक्स शेडर जा रहा है। तो अब मैं एक बार यहाँ जाके फाइल ले लेता हूँ, एक माया में जाके फाइल, ठीक है, और इस फाइल में मैं जो डेस्कटॉप पे मैंने रखा था फिंगरप्रिंट .txt,
ये खुद इसने डॉट टी एक्स बना देता है इसको, फिर रॉ में जाके इसको मैं रॉ कर देता हूँ, मतलब रॉ सही था। तो अब आप, मैं एक बार सेव करना ना भूलें क्योंकि आपको पता है माया क्रैश होता रहता है जैसे आप देख चुके हैं अभी। तो पहले कैसा था उसके बाद देखिए, हल्का हल्का टेक्सचर आ चुका है इस पर, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा और देखना चाहते हैं जूम करके तो ये देखिए, ठीक है, हल्का हल्का। जब अगर मैं सपोज करो इसको हटा देता हूँ तो ये ऐसा है, इसको लगा देता हूँ तो ये ऐसा है, ये देख सकते हैं आप। अगर मैं सिर्फ इसको इंडिविजुअली देखना चाहता हूँ तो आप क्या कर सकते हो, इसको पॉज कर दो पहले, क्रैश ना कर जाए, बाबा डर रहता है क्रैश करने का। तो इसको करके आप आइसोलेट कर सकते हो इसे, तो आइसोलेट करके आप देख सकते हो। अगर इसको देखना है अलग से, सिर्फ कारपेंट देखना है, गोल्ड देखना है, तो आप जिसको आइसोलेट करके देखना चाहते हो आप देख सकते हो, ठीक है। तो अब आइसोलेट हटा देते हैं। अब मैं इसको ब्लेंड की जगह ऐड पे कर देता हूँ, और ऐड ऐड की जगह नहीं, ब्लेंड ही ठीक है, ठीक है, इतनी वैल्यू रख देते हैं इसको। और अगर आप चाहते हो, जैसे ये शेडर्स हैं, अगर आप चाहते हो शेडर्स की जगह अगर आप टेक्सचर करना चाहते हो कि दो तीन आपको टेक्सचर लगाने, तो उसके लिए नोड होती है, टेक्सचर आप डालोगे तो लेयर टेक्सचर आता है, एक लेयर लेयर टेक्सचर। तो आप जैसे, आपके पास सपोज करो कि आपके पास आपके पास कोई टेक्सचर है, जैसे यहाँ फाइल पे जाके आप यहाँ पे फाइल में गए कलर में जाके, इसके बाद आपने ये कोई भी टेक्सचर ले लिया, सपोज करो ये ले लिया एक टेक्सचर, और अगर आपको एक और टेक्सचर लेना है तो यहाँ पे एक और क्लिक कर दीजिए, तो ये दो टेक्सचर आ गए आपके पास। इसमें आप कोई और कलर ले सकते हैं, ठीक है, फिर उसको ब्लेंड कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये तरीका था मेरा, जो मैंने पिछली बार आपको दिखाया था जो रेंडर करके। तो अगर आप वैसा कुछ बनाना चाहते हैं, मैं एक बार दोबारा दिखा दूं, अगर आप जैसे इसमें देखिए, दिख रहा है आपको, यहाँ अलग अलग स्मजेज हैं, यहाँ पे ये नॉइस पैटर्न है, और एक पीछे का पेंट है जिसका कलर अलग कर रखा है। आप जैसे यहाँ पे ए पे देखिए तो ये टेक्सचर हो रहा है, ये सेम वही है, ठीक है। तो आप अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो अब आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपको और कंटेंट ऐसा देखना है।